सरकार बदली सी बीजेपी गेली सी। आपको बता रहा हूं 15 मिनट मेरी वहां पे स्पीच करा दो, 15 मिनट मेरी वहां पे मोदी जी के सामने स्पीच करा दो, 15 मिनट में राफेल की बात करूंगा, नीरव मोदी की बात करूंगा, मोदी जी वहां पे खड़े नहीं रह पाएंगे। 15 मिनट हाथ में कागज लिए बिना कर्नाटक की आपकी सरकार की अचीवमेंट्स सिद्धियां 15 मिनट कर्नाटक की जनता के सामने बोल दीजिए और एक छोटा काम साथ साथ कर देना, उस 15 मिनट के भाषण के दरमियान कम से कम 5 बार श्रीमान विश्वेश्वरैया जी का नाम का उल्लेख 5 बार कर दीजिए। विश्वेश्वरैया सरकार के ही एक मंत्री पर खनन घोटाले का आरोप लगा, इस वजह से उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा। खनन घोटाले के कई आरोपियों को जिन्हें जेल तक जाना पड़ा था और उन्हें इस बार ये रुपया सरकार टिकट भी बांट रही है। रेड्डी ब्रदर्स को जेल से निकालकर विधानसभा में डालने की कोशिश कर रहे हैं। शोले का पूरा गैंग है, गब्बर सिंह, सांभा, कालिया, सबके सब अंदर कर रहे हैं। चलो भैया तुम भी चलो विधानसभा में, चलो तुम भी चलो। कल तक कहते थे कि भाजपा ये तो बनिए ब्राह्मण की पार्टी है, लेकिन उस पार्टी ने एक दलित को राष्ट्रपति बना दिया, एक ओबीसी को, एक चाय वाला उसको प्रधानमंत्री बना दिया। मोदी जी जाते हैं, अंबेडकर जी पे माला लगाते हैं, मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं, बसपा की मूर्ति के सामने जाके हाथ जोड़ते हैं, माला लगाते हैं, मगर फिर जो अंबेडकर जी ने कहा, बसवाना ने कहा, वो नहीं करते हैं। मोदी जी आप अंबेडकर जी की बात करते हो, मगर जब उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में दलितों को मारा जाता है, कूटा जाता है, तो आप चुप क्यों रहते हो? ये हमारे विरोधी दिन रात कहते थे ये भाजपा वाले तो महिला विरोधी है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि देश की रक्षा मंत्री, पहली रक्षा मंत्री, वो भी महिला और वो भी तमिलनाडु से, तो उनके सारे झूठ धरे के धरे रह गए। आपने कहा था मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे पहले कर्नाटका में मुफ्त में हम बेटियों को पढ़ाते हैं, मगर आपने अब एक नया नारा दिया पूरे हिंदुस्तान में, बेटी पढ़ाओ भूल गए, बेटी बचाओ बीजेपी के एमएलए से।